आप टेग्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं मर्सिडीज के अंदर आपका जीपीएस, और इसके लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें खोल खाल के देखी हैं। तो मोस्टली जगह पर इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो इसलिए हम नहीं लगा सकते। आप जब स्टार्टिंग में चेक करोगे तो क्या होगा, आपकी वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रही होगी, फिर अर्थ ड्रॉप करेगा या वोल्टेज ड्रॉप करेगी। इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लग्जरी गाड़ियों में, तो इस चीज़ के लिए इसमें बहुत टाइम लगता है। ये देख लीजिए, ये मर्सिडीज़ है। अब हमने इसका ये खोल लिया है नीचे ओबीडी आपका, और ओबीडी खोलने के लिए आपको ये स्टार गोटी होती है, इससे आपको ओबीडी खुल जाएगा, नट लगे होते हैं। और इसमें हमने मीटर से चेक करा है, इसके अंदर डायरेक्ट आ रही है आपकी। और हमने चेक किया था जो बॉडी अर्थ है इसका, इसके अंदर भी आ रहा था, ये जो वायर है इसके अंदर आ रहा था और इसके अंदर आ रहा था। और जब हमने इसको चेक किया, पहले चेक किया तो इसके अंदर जो है आपका, देख लीजिए, ये हमने मीटर ले लिया। अभी हम ये ग्रे वाले में चेक करेंगे, देख लीजिए कंप्लीट आ रहा है, ये देख लीजिए ग्रे वाले में कंप्लीट आ रहा है, ये देख लीजिए हम इसमें ग्रे में लगाएंगे, ये देख लीजिए कंप्लीट आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम जीपीएस को कनेक्ट करेंगे इसके अंदर, ये जीपीएस की वायर है, इसमें एसीसी नहीं है, इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। और हम सेम चीज अब इसका आपका जीपीएस का डायरेक्ट जो हमने लगा दिया है, अब जीपीएस का बॉडी अर्थ, अभी हमारा बॉडी अर्थ है, हम इसको लगा लेते हैं। अब देखिए हम इसको ग्रे में चेक करते हैं दोबारा से। अब जैसे ही इसमें कनेक्ट होगा ना जीपीएस का वायर, वैसे ही ग्रे के अंदर बॉडी अर्थ ड्रॉप हो जाएगा, ये देख लीजिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये देख लीजिए। अभी इसी के अंदर हमारा पूरा 12 वोल्टेज आ रहा था, लेकिन अब ड्रॉप हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है, इसी हमारा जीपीएस नहीं चलेगा। आप देखोगे कनेक्शन करके चेक करोगे 12 वोल्टेज आ रही है, उसके बाद आप कनेक्ट करके चले जाओगे, लेकिन बाद में वोल्टेज लगाते ही ड्रॉप हो जाएगी वोल्टेज, तो इसको हमें चेक करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता है, वैसे तो आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ। अब देखिए ग्रे है, ग्रे के अंदर आ रहा है कंप्लीट बॉडी अर्थ, तो हम ग्रे में बॉडी अर्थ देंगे, ना कि सॉरी इसमें ये ब्राउन जो कलर का है इसमें देंगे, ग्रे में नहीं देंगे, क्योंकि ग्रे में बॉडी अर्थ जो है ड्रॉप हो रहा है। तो हम ग्रे में बॉडी अर्थ देंगे आपका, इसको भी स्प्लाइस कर लेंगे। अब हमें पता चल चुका है सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें गाड़ी में बॉडी वोल्टेज ड्रॉप की आती है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर इनके अंदर वोल्टेज ड्रॉप की आती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तुरंत ही। आप जो जैसे कोई एक्सटर्नल चीज कनेक्ट करोगे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी आपकी, ये मेन प्रॉब्लम है इनके अंदर। और ये इस गाड़ी में सब जगह ही होगी, हर वायर में वोल्टेज ड्रॉप होती है। अब आप इसके अंदर आप बॉडी अर्थ ले देंगे, इसमें डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। अभी हमारा काम हो जाएगा, आगे की वीडियो में आपको बताएंगे, ये हमारा काम हो जाएगा, हम कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं इसको, जीपीएस को कहाँ लगाना है उसकी जगह भी दिखाते हैं। अब हम ये कनेक्ट करके आपका जीपीएस अंदर छुपा चुके हैं पूरी तरीके से, देख लीजिए कहीं से कुछ भी नहीं दिखेगा आपका। इसको हम वापस इसको इस तरह लगा देंगे और आपका दो नट है वो कस देंगे और हमारा जीपीएस कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों बस ये ध्यान रखिए, इसमें लगाते टाइम इंजन ऑन ऑफ वाला फीचर मत दीजिए, क्योंकि इंजन ऑन ऑफ का फीचर देने के लिए आपको इसकी कोई मेन वायर जो है कट करनी पड़ेगी, या कपलर से लेनी पड़ेगी, फ्यूज बॉक्स से लेनी पड़ेगी। उस केस में क्या है, इसका ईसीएम जो है आपका हाईली सेंसिटिव होता है और आपका वोल्टेज ड्रॉप होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगी तो आपका जीपीएस वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड थिंग है, इसका ईसीएम ने अगर डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आपका ये गाड़ी भी प्रॉब्लम करेगी आपका। इसलिए कई जीपीएस वाले क्या होते हैं, उनसे लगता ही नहीं है, गाड़ी में लगता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे फीचर देने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होता है, ईसीएम सेंस कर लेता है, और आपका ना जीपीएस काम करता है ना गाड़ी ढंग से काम करती है, फिर गाड़ी में प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है आप बहुत ध्यान से इसमें 2-3 घंटे लगा के लगाइए, और कोशिश कीजिए कि ओबीडी पोर्ट से ही दें, और हमेशा वोल्टेज ड्रॉप का खास ध्यान रखिए, वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको ये जीपीएस परचेज करना हो तो हमारे ऑनलाइन पोर्टल हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और आपको जीपीएस रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो,
जीपीएस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास पहले से जीपीएस है और वो चल नहीं रहा है तो आप हमारे उसे पोर्टल पे चला सकते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम एक फी है वो पे करनी पड़ेगी और उसको इजीली आप चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। कौन सा जीपीएस किस तरीके से वर्क करता है सारा आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।